दोस्तों रीसेलिंग बिजनेस पर इतने ज्यादा फ्रॉड होने लग गए और ऑलरेडी फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच करेंगे तब आप उस फ्रॉड होने से बच सकते हैं और आपका भी पैसा फ्रॉड के पास जाने से रोक सकते हैं। देखो ऑनलाइन इंडस्ट्री में रीसेलिंग बिजनेस बिना कोई इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस है। जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर बिजनेस करते, ज्यादा से ज्यादा वुमेन हाउसवाइफ घर बैठे बैठे जो लोग कमाना चाहते हैं स्टूडेंट, उन लोगों को फ्रॉड लोग टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रॉड जब भी बोले तो कितने तरह के फ्रॉड होते हैं। एक हो गया कि होलसेलर बन के फ्रॉड करना, दूसरा नंबर पे है कि बायर बनकर फ्रॉड करना। होलसेलर बनकर फ्रॉड करना के क्या होते हैं कि आपको अगर मान लीजिए रीसेलर है, आपके पास बोलेगा कि बहुत बढ़िया-बढ़िया प्रोडक्ट दिखाएगा, इतने चीप प्राइस में आपको प्रोडक्ट दिखाएगा कि आप आके नहीं मारेंगे, आप उसको इंस्टेंटली पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद बोलेगा कि आपका ट्रैकिंग कोड जा रहा है, ये जा रहा है, दो दिन के अंदर अंदर पूछेंगे कि सर मेरा ट्रैकिंग कोड दे दो। कस्टमर मांग रहा है कि कहां तक प्रोडक्ट पहुंचे, कुछ भी नहीं दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा दो या तीन दिन के अंदर आपका लिस्ट से ब्लॉक कर देगा और आपको हटा देगा। बेसिकली ये इंडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरा इंस्टाग्राम पर इतने ज्यादा डीएम आ चुके हैं इस चीज को लेकर कि भाई मेरा होलसेलर ने मेरे को फ्रॉड कर दिया। फाइनली मैंने सोचा कि इस चीज को और ऊपर आप लोगों के सामने वीडियो बनाना चाहिए और आप इस चीज से कैसे रुके, आप इस चीज में ना जाए वो चीज कैसे कर सकते हैं। देखो कोई भी होलसेलर जब आप डील कर रहे हो, चाहे हो रीसी इंस्टाग्राम पर हो, चाहे गूगल पर हो, चाहे कहीं पे हो मैसेंजर पर हो, तब आप उसके साथ उसका मस्ट बी नीड टू देयर वेरीफाई आईडी, कोई बिजनेस आईडी चाहिए, जीएसटी नंबर, उसे जीएसटी नंबर को आप गवर्नमेंट को वेबसाइट में जाकर उसका बिजनेस नेम चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे उसका डिटेल्स आधार कार्ड या पैन कार्ड उसका बिजनेस का ले लो। प्रोडक्ट की स्टॉक लाइव फुटेज में देखो, नॉट वीडियो स्टॉक फुटेज, प्रोडक्ट की फोटोज स्टॉक अगेन बता रहा हूं, आप वीडियो कॉल के दौरान देखने की कोशिश करो। नंबर टू, गूगल बिजनेस पेज का लिंक भेजने बोलो कि गूगल का जो मैप होता है उस मैप के अंदर उसी होलसेलर का लिस्टेड रहे, आपको उस गूगल मैप से उस होलसेलर को देख पाए। ऐसे तरह कर ये तीन चार स्टेप को जब वेरीफाई कर लेंगे तब मान लेना कि वो होलसेलर एक वेरीफाइड होलसेलर है, आप उसके साथ जाकर रीसेल कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, कुछ भी ना देखकर इतना ज्यादा प्रोडक्ट दिखाकर उसको इंप्रेस कर देते हैं। जो माल है 500 का वो 100 में रीसेलर को बोलते हैं कि भाई आप इसके ऊपर 300 मार्जिन जोड़ो, अपने बायर को सेल करो, और रीसेलर वो 300 मार्जिन के लिए इतने ज्यादा वो लालच हो जाता है, कस्टमर को बताते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं कहीं ना कहीं से, बहुत ज्यादा रीसेलर खुद से या कस्टमर के लेकर होलसेलर को पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही पेमेंट करा होलसेलर भी गया, ऐसे ही चल रहे हैं मैक्सिमम जाकर। तो मैंने जो स्टेप बताया उस कुछ स्टेप को फॉलो करो, आप ये होलसेलर वाली फ्रॉड से रोक पाएंगे। नंबर टू बात करें कि बायर देकर जो फ्रॉड होते हैं, कि बायर लोग डायरेक्ट होलसेलर को या रीसेलर को फ्रॉड कर देते हैं, उसमें क्या करते, पेमेंट का लिंक भेज दे। देखो जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओएलएक्स में आरबी बनकर होते हैं, मैं वो पहले भी होता था, अभी भी थोड़ा बहुत हो रहा है, मैं ऑलरेडी एक साल पहले उस चीज का वीडियो बनाकर रख दिया था। क्या करते कि मैंने मान लो कि मैं 2 पीस 3 पीस 4 पीस जो ही प्रोडक्ट को बाई करना चाहता हूँ, मेरे पास मान लो कि आपके पास मेरा बिल हो रहे हैं 1500 रुपीस का माल आपके पास से मैं बाई कर रहा हूँ। अब आपको क्या करूंगा कि 1500 रुपीस मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करूँ। कोई भी कस्टमर ऐसा तरह नहीं चाहता, मैक्सिमम तो देखा जाए कि अननोन पर्सन को डायरेक्ट जाकर वो प्रोडक्ट का एडवांस पेमेंट कर दे। वहीं पे आपको शॉक लग जाएगा कि भाई कैसे, व्हाई दे आर पेमेंट टू मी बिफोर द प्रोडक्ट शिपिंग। तो ऐसा तरह नहीं होते, कस्टमर जब पेमेंट करते प्रोडक्ट कस्टमर के पास घर पहुंच है, उसके बाद वो लोग पेमेंट करता है। लेकिन जो फ्रॉड कस्टमर है तो वो आपको एडवांस पेमेंट करने के लिए राजी हो जाएगा। एडवांस पेमेंट कैसे करेगा, बोलेगा भाई साहब अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, उस व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट लिंक भेजेगा आपको। उस लिंक पे क्लिक जब भी करेंगे आप देखेंगे कि आपको रिक्वेस्ट मनी वाला मैसेज आएगा, आपके पास लिंक आएगा। जैसे ही उसमें लिंक करेंगे कि आपका अकाउंट से 10,000 रुपीस डेबिट होने वाला है, 15,000 रुपीस डेबिट होने वाला है, या आपका जो ऑर्डर अमाउंट है उसी ऑर्डर अमाउंट आपके अकाउंट से वो बायर के अकाउंट पर पहुंच जाएगा। ये होता है फ्रॉड, मतलब ये लोग करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा इनको प्रोटेस्ट भी करने की कोशिश किया, आप लोग इस वीडियो को इतने ज्यादा फैला दो जाकि मैक्सिमम टू रीसेलर के पास पहुंच जाए और उन लोगों का कारोबार जो होते हैं वो बंद हो जाए। सो ये दो तरह ये फ्रॉड इंडिया में इतने ज्यादा चल रहे हैं। मैंने फाइनली डिसाइड लिया कि इस तरीके का आप लोग, मतलब इस चीज के ऊपर आप लोगों के पास वीडियो बनाना चाहिए, जैसे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। अगर आप इस दो फ्रॉड से रोकना चाहते हैं तो मैं जो स्टेप बताया उस स्टेप को ऑल टाइम माइंड कर रख कर फोकस कर होलसेलर से चाहे रीसेलर चाहे बायर से डील करो, आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर जाना, इस लाइक पे आपको भाई को बनता है मोटिवेट और आप लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे कमाने का तरीका आप लोगों में दिखा पाता हूं। अगर चैनल पर नया तो जाना रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे कमाने का तरीका देखने के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। हर बार की तरह वापस अगर वीडियो देखने के लिए और मेरे को इतना ज्यादा प्रेम पूर्ण भक्ति देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।